हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करा चुकी हूँ, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया हुआ है। देखो भाई, एक्सरसाइज 1.2 क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल में बुक्स एग्जीबिशन लगाए कितने दिन के लिए, 4 days के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे। ठीक है, तो जो एग्जीबिशन लगेगा तो हमारी टिकट्स भी बिकेंगे। फिर ठीक है, टिकट्स के साथ ही अंदर जाओगे तो टिकट कितनी सोल्ड हुई, कितनी बिकी है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। फर्स्ट डे कितनी सोल्ड हुई है, 1094। सेकेंड डे 1812। थर्ड डे कितनी हुई है, 2050। एंड फाइनल डे कितनी हुई है, 2751। उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 4 days। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी सोल्ड हुई है, टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। ठीक है, इन चारों डे उसका मिला के टोटल कितनी सोल्ड हुई है, कितनी टिकट हमारी बिकी है। ठीक है, जब इन्होंने टोटल बोल दिया तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, हम टोटल जब आ जाते हैं तो हम टोटल के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे, इन सभी की टिकट्स का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारी टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया है, हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हैं, कहते मैम स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती है, गलत लिखी जाती है। ठीक है, तो देखें हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं हम कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट, कैसे सीखते हैं स्टेटमेंट लिखना। इसमें क्या है, क्या बोला है कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड फाइनल डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है ये लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाते हैं हम इसकी, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है फर्स्ट डे, 1094। तो हम यहां लिखेंगे 1094। क्लियर हुआ इतना, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितनी सोल्ड हुई है, 1094। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे। फर्स्ट डे का हमने लिख दिया है, अब हम लिखेंगे सेकेंड डे का। तो लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितनी सोल्ड हुई है, 1812। ध्यान रखना, डिजिट्स के नीचे ही डिजिट आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डे का हमने लिख दिया कितनी सोल्ड हुई है हमारी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड डे का, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। ठीक है, तो लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई है हमारी, 2050। तो लिखते हैं 2050। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे, फाइनल डे कितनी सोल्ड हुई है, चलो लिख देते हैं इसको भी, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे। फाइनल डे कितनी सोल्ड हुई है, 2751। लिख देते हैं 2751। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला है, ठीक है यहां तक हमने लिख दिया इतनी स्टेटमेंट। उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, चारों डेज का निकालना है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, ऑन ऑल 4
डेज, ठीक है। अब हम इनकी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल आ गया, टोटल आता है तो क्या करते हैं हम इनकी ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है। देखो भाई, फोर और टू कितने होते हैं, सिक्स, सिक्स और वन सेवन, यहां लिख दिया सेवन, ठीक है। उसके बाद नाइन और वन टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी का जीरो और कैरी टू यहां आ गई है, ठीक है। इसके बाद टू और एट कितने होते हैं, टेन, टेन और सेवन कितना होता है सेवनटीन, सेवनटीन का सेवन कैरी वन आ गई, ठीक है। इसके बाद वन और वन टू, थ्री, थ्री और टू कितने होते हैं फाइव, फाइव और टू सेवन। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी सोल्ड हुई है फोर डेज में, सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन। हम चारों डेज का मिला के हमारी कितनी टिकट सोल्ड हुई है, सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत इजी है, कैसे बनाना है यही दी हुई है, सारा इसी में ही दे के रखते हैं। नंबर द नंबर ऑफ टोटल टिकट सोल्ड एट द काउंटर द फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड एंड फाइनल डे। तो हमने यही से अपनी स्टेटमेंट बना ली, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, फिर हमने लिख दिया फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। यहां से लिख दिया टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फोर्थ, ऑन ऑल द फोर डेज, ठीक है। इन सभी का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा ये आ गया। तो हमारी चारों डेज का जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी हुई है, सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन, ठीक है। इतनी हमारी टिकट सोल्ड हुई है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या दिया हुआ है। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, शेखर क्या एक पर्सन है और वो क्या है भाई, फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच, ठीक है। उसने टेस्ट मैच में कितने रन बनाए हैं, 6980 रन बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, और उसकी क्या इच्छा है कि वो अपने 10,000 रन पूरे करे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है, हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, उसे अब कितने रन की जरूरत पड़ेगी अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए। बच्चों मैं इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। धोनी है, ठीक है, धोनी को अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, ठीक है, और उसने बनाए अभी तक है 80 रन, 80 रन बनाए हैं, उसे अपनी सेंचुरी पूरी करनी है। सेंचुरी मतलब कि उसे अपने 100 रन बनाने हैं, और उसने अभी तक कितने रन बनाए हैं, 80 रन बनाए हैं, ठीक है, इतना समझ आया। उसको अपने 100 रन पूरे करने हैं, लेकिन उसने बनाए कितने हैं अभी तक, 80 रन बनाए हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, अब उसको कितने रन की जरूरत पड़ेगी अपने 100 रन पूरे करने के लिए, अपने 100 रन पूरे करने के लिए उसे कितने रन की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक उसने 80 रन ही बनाए हैं। तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीरो इससे कैरी लिया, टेन, टेन में से एट गया टू, तो उसे कितने रन की जरूरत पड़ रही है, 20 रन की जरूरत पड़ रही है अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। ठीक इसी तरह शेखर का हाल है, शेखर को कितने रन चाहिए, 10,000 रन चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, 10,000, लेकिन उसने अभी तक बनाए कितने हैं, 6,980 रन बनाए हैं, ठीक है। जैसे धोनी को 100 रन चाहिए थे, अभी तक उसने 80 रन बनाए हैं, इसी तरह शेखर को कितने रन चाहिए, 10,000 यानी कि 10,000 रन चाहिए, और उसने बनाए कितने अभी है, अभी तक बनाए कितने हैं, 6,980, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करा, इससे कैरी ले, इससे कैरी ले, यहाँ पर है 10, ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए तो 3, तो उसे कितने रन की और जरूरत है, 3020 रन की। समझ आया सभी को, ठीक है, इसी तरह से हमें ही करना है। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, अब तो समझ आ गया होगा सभी को। देखो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, शेखर स्कोर, शेखर ने कितना स्कोर करे भाई रन, शेखर स्कोर कितने रन स्कोर करे भाई शेखर ने, 6,980 रन, ठीक है, इतने रन उसने बनाए हैं। इसके बाद ही वांट टू कंप्लीट रन, उसको कितने रन चाहिए भाई, ही वांट टू कंप्लीट कितने रन कंप्लीट करने उसे, 10,000,
ठीक है, उसको अपने 10,000 रन बनाने हैं, अभी तक उसने 6,980 रन ही बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या इसके बाद क्या है, देखो रन्स नीड, कितने रन्स की जरूरत है उसे, रन्स नीड टू मोर स्कोर, मोर स्कोर मोर, कितने रन्स की उसे जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, रन्स नीड टू स्कोर मोर, इनकी सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। करें जीरो, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गया तो 3, कितने रन्स की जरूरत पड़ रही उसे, 3020 रन्स की। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ही नीड्स 3020 मोर रन्स टू स्कोर, ठीक है। हमें कितने रन्स की जरूरत पड़ रही है, 3020 रन्स की। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर